कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच मोदी सरकार ने अनलॉक 4 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अनलॉक 4 1 सितंबर से प्रभावी होगा। हालांकि इसके तहत जारी गाइडलाइंस अलग अलग डेट से प्रभावी हो रही हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और सवाल 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के लिए पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने तय किया कि एक वीडियो बनाकर आपको विस्तार से बताते हैं कि सरकार ने अनलॉक 4 में स्कूलों को लेकर क्या फैसले किए हैं। वैसे तो स्कूलों के अलावा कॉलेजों और तमाम शिक्षण संस्थान को भी लेकर गाइडलाइंस आई हैं, लेकिन इस वीडियो में हमारा फोकस केवल स्कूलों पर है। आपको बता दें कि अनलॉक 4 में स्कूलों को खोलने के बारे में नियम तय कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों में भी 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स स्कूल जा सकते हैं, लेकिन इसमें कई उप प्रावधान हैं। पहले तो ये कि ये गाइडलाइंस 21 सितंबर से प्रभावी होंगी। इसका दूसरा प्रावधान ये है कि स्टूडेंट्स का स्कूल जाना बाध्यकारी नहीं होगा, यानी आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। तीसरा और सबसे अहम प्रावधान अभिभावकों से जुड़ा हुआ है। इसके तहत ये स्टूडेंट्स तभी स्कूल जा सकेंगे जब उनके माता पिता या अभिभावक इसके लिए लिखित अनुमति देंगे। इसके अलावा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को लेकर भी गाइडलाइंस में प्रावधान दिए गए हैं। इसके तहत ऑनलाइन टीचिंग स्टूडेंट्स को सलाह देने के लिए 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को एक समय में स्कूल बुलाया जा सकता है। अभी परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय इसके लिए भी SOP जारी करेगा। SOP का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है, यानी अनलॉक के तहत मिली इस छूट का भी इस्तेमाल एक निश्चित कायदे में रहकर ही किया जा सकेगा। हालांकि अनलॉक 4 में स्कूलों के लिए हल्की सी ही सही राहत के संकेत जरूर दिखे हैं। ये राहत इस ओर इशारा कर रही है कि कोरोना संकट के बीच अब हमारा देश धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय पहले भी कह चुका है कि कोरोना को देख सब कुछ नहीं रोका जा सकता। ऐसे में सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस को फॉलो करें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटेशन का ख्याल रखते हुए खुद को कोरोना से बचाएं। और ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।